Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with our new chapter, which is Our Urgent Need for Self-Esteem. The chapter is written by Nathaniel Brandin. आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है Our Urgent Need for Self-Esteem, जिसे लिखा है Nathaniel Brandin ने. ठीक है, ये आपका सेकेंड यूनिट का चैप्टर आया था, फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के उनके लिए. ठीक है, आपने जब भी इस चैप्टर को लिखना है, जैसे कि आप अभी आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, दिस इज़ द मोस्ट सीनियर एंड द फाइनल क्लास होती है आपकी ग्रेजुएशन की. इसके अंदर आपकी स्पेलिंग, जितनी भी आपकी स्पेलिंग्स होगी वो चेक होती है. सेकेंडली आपका फॉर्मेटिंग, किस तरीके से आपने आंसर को किस तरीके से अटैम्प्ट करा वो देखा जाता है. तभी आप जब आप 40 से ऊपर का स्कोर सोच के चलोगे, 35 से ऊपर का स्कोर सोच के चलोगे, तभी आप पास हो सकते हो इस पेपर में. अगर आप पास होने की सोच के जा रहे हो तो आपको वो फेल कर देते हैं. आपने देखा होगा बड़े सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो कंपलसरी पेपर में, चाहे वो पंजाबी कंपलसरी की बात करूँ लैंग्वेज, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूँ, सबसे ज़्यादा अभी जो रिज़ल्ट आया है वो सिक्स सेमेस्टर वालों को आया है, उसमें इंग्लिश में निकाली है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के कंपार्टमेंट है, सप्ली है, रियाई है. तो आपको किस तरीके से पेपर करना है कि आपको हाईएस्ट स्कोर करो, आप इन से ऐसे वर्ड से भी दूर रहो. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो चैप्टर का आपको पूरा नेम पता होना चाहिए, पूरा का पूरा नेम, कि आप पूरा क्या नाम है उस चैप्टर का, उसका ऑथर कौन है. और कोई भी क्वेश्चन आता है आपको चैप्टर का नाम और उसका ऑथर लिखने के बाद ही आपने उस आंसर को एक्सप्लेन करना है, जैसे रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हो, ताकि टीचर को पता चले बच्चा मेहनत करके आया है, एक्चुअली पढ़ के आया है. और आपने क्या बोलते हैं उसके अंदर, चैप्टर के अंदर जो भी आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे, जो मेन थीम है चैप्टर की, उसको आपने ध्यान में रख के ही अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. जैसे अब सेल्फ एस्टीम है, बड़े सारे बच्चे क्या करेंगे, चैप्टर पूरा पढ़ेंगे नहीं, सेल्फ एस्टीम वर्ड आया, अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसे ही बड़े सारे स्टूडेंट्स करते हैं. टीचर को सेल्फ एस्टीम मतलब देखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, उससे टीचर को रिलेटिव नहीं है टीचर, आपको उससे ज़्यादा नहीं लिखना है. सेल्फ एस्टीम के अंदर दो वर्ड हैं आपके, सेल्फ एफिशिएंसी, ठीक है, सेल्फ एफिशिएंसी प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट. अगर आपने ये दोनों वर्ड लिख दिए, अगर सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट लिख के आ रहे हो ना, टीचर बोलेगी पेपर से दो घंटे पहले बच्चा ने चैप्टर को पढ़ा ऊपर से. सेल्फ एस्टीम लिख के आ रहे हो, ठीक है, और क्या लिख के आ रहे हो आप, ये ऑथर का नाम, चैप्टर का नाम पूरा, इसका पूरा मतलब क्या है दो वर्ड में है. सेल्फ एफिशिएंसी कि काम कैसे करना है उसके अंदर आप एकदम कैपेबल हो, सेल्फ एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी वर्ड से आया. सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपके रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये होता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट. ये हाई सेल्फ इस्टीम को दिखाते हैं. अगर आपने ये सब चीज़ें बता दी, टीचर कहेगा 3-4 महीनों की मेहनत है ये एक दिन की या एक रात पहले की पढ़ाई नहीं है, चाहे आपने एक रात पहले ही बैठ के ये चैप्टर याद करो, ठीक है. तो आपने अपनी कॉपी से आप रिप्रेजेंट होते हो एग्जामिनर के सामने, ना कि आपका फेस जाता है इस तरीके से. अब हम शुरू करते हैं चैप्टर, क्या ये चैप्टर किस बारे में है. बेसिक मैंने आपको चीज़ जैसे बताई, ये चैप्टर सेल्फ एस्टीम के बारे में है, जिसके अंदर आपकी दो टाइप की सेल्फ एस्टीम होती है. एक आती है आपकी हाई सेल्फ एस्टीम, एक आपकी होती है लो सेल्फ एस्टीम. एक हाई सेल्फ एस्टीम कौन सी होती है आपकी, कि मैं ये काम कर सकती हूँ. सेल्फ एफिशिएंसी आती है सेल्फ एस्टीम के अंदर. सेल्फ रिस्पेक्ट आती है कि एक हाई मोरल प्लस कॉन्फिडेंस भी होता है जब आपके अंदर, तो ये होता है आपका सेल्फ एफिशिएंसी और सेल्फ एस्टीम को शो करता है. जब आपका ये चीज़ें दोनों लो होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी लो है, ठीक है, और आपकी सेल्फ एफिशिएंसी भी लो है, काम भी नहीं करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत कम है, तो ये आपकी लो सेल्फ एस्टीम बना देते हैं. तो आपने सबसे पहले एक फार्मूला याद करना है, सेल्फ एस्टीम का फॉर्मूला क्या होता है. सेल्फ एफिशिएंसी प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चीज़ें से आपका बनता है सेल्फ एस्टीम, ठीक है. यही सारा चैप्टर है. अब देखना क्या लिखा है इस चैप्टर में,
ही सेज द सेल्फ एस्टीम रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फिडेंस विच हैव इन आवर सेल्फ. हमारे पे अब अपना क्या कॉन्फिडेंस है. इट इज़ अ कॉन्फिडेंस इन अवर एबिलिटी टू कॉप विद द बेसिक चैलेंजेस ऑफ द लाइफ. बेसिक चैलेंजेस इन लाइफ के हम उससे कॉप अप कर सकते हैं. इट इज़ अ कॉन्फिडेंस दैट वी आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस कि जिससे हम खुश होते हैं. सेल्फ एस्टीम है सर्वाइवल वैल्यू. सेल्फ एस्टीम के बिना हम जी नहीं सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें करप्शन के चार्ज हैं उसकी ऐसी सेल्फ एस्टीम बन जाए ठीक है इसलिए क्या होते हैं इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं वो लोग क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है. वो चाहते हैं हमारे को कोई ये उंगली ना उठाए इसी तरीके से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एस्टीम वाले जो लोग होते हैं उनके लिए क्या होती है सेल्फ एस्टीम हाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सर्वाइवल वैल्यू सोसाइटी में रहने के लिए ठीक है. इट इज़ अ कॉन्फिडेंट डैट वी आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस कि हम वर्दी हैं हैप्पीनेस की. सेल्फ एस्टीम हैज़ अ सर्वाइवल वैल्यू. सर्वाइवल मतलब कि इसके बिना तो बंदा संसार में रह ही नहीं सकता ठीक है. विदाउट इट मैन्स साइकोलॉजी ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल. मैन की जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है वो पॉसिबल नहीं होती है. ब्रैंडन डिस्कसेस इन द डिटेल द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो सेल्फ एस्टीम. हाई सेल्फ एस्टीम क्या होती है लो सेल्फ एस्टीम क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ही इम्प्रेसिज अपॉन द नीड टू हैव हाई सेल्फ एस्टीम. वो कहते हैं कि हमेशा किस पे जोर देते हैं कि हाई सेल्फ एस्टीम पे जोर देते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरीके से बनाओ अपनी सेल्फ एफिशिएंसी इस तरीके से बनाओ ताकि आप जो भी चैलेंजेस आए लाइफ के उससे कॉप अप कर सको ठीक है. ही पॉइंट आउट दैट सेल्फ एस्टीम क्या है एक बेसिक ह्यूमन नीड है एक अच्छी ह्यूमन नीड है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू फेस द बेसिक चैलेंजेस ऑफ लाइफ कि लाइफ के चैलेंजेस फेस करने के लिए. सेल्फ एस्टीम इम्पेरेटिव होती है इफ़ वी वॉन्ट टू बी एम्बिशियस एंड सक्सेसफुल. अगर हम एम्बिशियस होना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारी सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए. लाइफ इन मॉडर्न टाइम्स हैव बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड कॉम्पिटिटिव. अब जैसे लाइफ में क्या हो गया बड़ा सारा कॉम्पिटिटिव आ चुके हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है सिंपल लाइफ नहीं रही है तो आपको वहाँ सर्वाइव करना आपको कुछ झूठा नाम भी लगा सकते हैं. इसलिए उन सब चीज़ों से बनने आपकी इतनी सेल्फ इस्टीम हाई होनी चाहिए कि कोई उंगली उठाने से पहले भी 10 बार ही सोचे कि मैं उंगली किसकी तरफ कर रहा हूँ ठीक है. इस तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इस्टीम होनी चाहिए कि आपको अगर आपने 15-20 लोग आपके उसमें हैं ठीक है और वो आपको जानते हैं आप किस तरीके को अगर कोई एक आके कोई बोलता भी उल्टा सीधा आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरीके की बनी हुई है ठीक है. क्योंकि उसे समझेंगे वही गलत बोल रहा है वो एक जो आया क्यों बोल ही रहा होगा गलत क्योंकि वर्ल्ड से बाहर कोई एक इंसान नहीं हो सकता ठीक है. वो आपका एनिमी भी हो सकता है इस तरीके से. तो ये होती है आपकी हाई सेल्फ एस्टीम. लाइफ इन मॉडर्न टाइम हैव बिकम मोर कम्प्लेक्स एंड कॉम्पिटिटिव हो चुका है. विदाउट हाई लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम बिना किसी हाई लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम के इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द प्रेजेंट डे. हम प्रेजेंट डे में रह नहीं सकते. जैसे कि मैंने अभी आपको ये बोला ये ऐसे लिखो ये ऐसे लिखना है आपने ठीक है. कई बंदे सोचेंगे मैं नहीं बोल पाऊँगा चाहे वो कर सके वो यही सोच रहे हैं मैं नहीं कर पाऊँगा. जैसे आपने क्लास में भी देखा होगा टीचर बोलेगी ये प्रेजेंटेशन देनी है तो कई सोचेंगे मैं नहीं कर पाऊँगा पर कई बहुत अच्छा करेंगे. इस तरीके से होता है एक अपनी सेल्फ इस्टीम हाई और लो सेल्फ इस्टीम ये होती है ठीक है. मेन पॉइंट्स हैं जो ऐसे के वो क्या हैं. वी पास मैनी जजमेंट्स इन अवर लाइफ बट नन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वन वी पास ऑन अवर सेल्फ. हमारी अपने ऊपर क्या जजमेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं. अपने बारे में ही सोचना जो मैं कई लोग कहते हैं हाँ मैं कर लूँगा ये कर सकता हूँ इसका मतलब उनकी हाई सेल्फ एस्टीम है. जो लोग कहते हैं नहीं मेरे से नहीं होगा ये मैं नहीं कर सकता इसका मतलब उनकी लो सेल्फ एस्टीम है. बिना करे वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते ठीक है. सेल्फ एवोल्यूशन अपने बारे में एवोल्यूएट करना अपने आप को मार्क्स देना क्या आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है या लो है ठीक है. सेल्फ एस्टीम क्या होता है जैसे एबिलिटी टू कॉप विद द बेसिक चैलेंजेस ऑफ द लाइफ. सर्वाइवल वैल्यू है. हैप्पीनेस रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. सेल्फ एस्टीम में आपके यहाँ क्या क्या आता है सेल्फ एफिशिएंसी आती है और क्या आता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आती है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद क्या आता है सेल्फ एस्टीम बेसिक ह्यूमन नीड है. सर्वाइवल वैल्यू नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जीने के लिए.
पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम जो होती है स्ट्रेंथ देती है आपको। अगर आपकी पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम है, आपकी हर जगह जहाँ भी आप जा रहे हो, जहाँ भी बड़ी अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बहुत सेल्फ हाई सेल्फ एस्टीम है, तो आपको ये पॉजिटिविटी देती है, स्ट्रेंथ देती है। जहाँ जो आप काम कर भी नहीं सकते वो भी आप कर जाते हो, ठीक है। अगर आपकी लो सेल्फ एस्टीम है, आपको अपने ऊपर ही नहीं विश्वास है, तो आपकी फेथ अपने ऊपर से डिमिनिश कर देता है, गिरा देता है आपकी एबिलिटी टू फेस लाइफ प्रॉब्लम्स को, ठीक है। सेल्फ एस्टीम हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर मॉडर्न वुमेन के लिए। औरतों के लिए तो सेल्फ एस्टीम वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एरिया में क्या होता है कि लड़कियों को अगर आगे बढ़ती हैं तो उन्हें गलत गलत आरोप लगा दिए जाते हैं। तो वुमेन्स के लिए तो हाई सेल्फ एस्टीम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम ये करना है, ये कैसे करना है, किस तरीके से वर्क प्लेस में अगर वो जा रही हैं, क्योंकि बढ़ता जा रहा है, दे हैव टू फेस इवन ग्रेटर चैलेंजेस। क्योंकि हाई सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम किसके लिए ज़रूरी है? चैलेंजेस देखने के लिए लाइफ के, ठीक है। देन मैन हैव टू, इनफैक्ट सेल्फ एस्टीम इज इक्वल इंपॉर्टेंस होती है मैन और वुमेन को, पर वुमेन को ज़्यादा देखना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपनी सेल्फ एस्टीम पे, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एफिशिएंसी पे। सेल्फ एस्टीम मे नॉट बी द ओनली थिंग टू सक्सीड इन लाइफ, ये सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है कि आप सक्सीड हो सकते हो लाइफ में, बट विदाउट इट द बैटल कैन नॉट बी वॉन, इसके बिना हम बैटल को जीत ही नहीं सकते। इफ़ वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ, अगर हमारे पे अगर मेरे पे अपने पे कॉन्फिडेंस है, वी कैन रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, हम चैलेंजेस हैं जो लाइफ के आराम से जी सकते हैं, ठीक है। दोज विद हाई सेल्फ एस्टीम आर कॉन्फिडेंट होते हैं अबाउट देयर थॉट्स एंड लव एंड टू शेयर देम विद अदर्स, ठीक है। अगर हमारी हाई सेल्फ एस्टीम है तो हम कॉन्फिडेंट बहुत हैं, हम अपने थॉट्स और लव को शेयर कर सकते हैं। दिस हेल्प्स देम टू बी मोर क्लियर इन देयर थॉट्स, उन अपने थॉट्स में वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। बट ऑन दी अदर, अगर हमारी लो सेल्फ इस्टीम है, अगर हमारा डाउटफुल नेचर है थॉट्स पे, अपने आप पे हम शाय हैं, तो शेयरिंग देम विद अदर्स, ठीक है, ये इसकी निशानी है लो सेल्फ इस्टीम की। दस दे हैव नो क्लैरिटी इन देयर थॉट्स विच दे ऑलवेज रिमेन इन मडी स्टेट, वो धुंधले बने रहते हैं, वो क्लैरिटी नहीं होती उनमें, ठीक है। हेल्थ इज अट्रैक्टिव टू हेल्थ, पर्सन विद गुड सेल्फ एस्टीम लव वाइटेलिटी रेदर देन एम्पिटीनेस इन अदर, मतलब कि जो हम जैसे होते हैं हम उसको अट्रैक्ट करता है, हेल्दी को हेल्दी अट्रैक्ट करता है, जो उनकी गुड सेल्फ एस्टीम होती है वो गुड सेल्फ एस्टीम, जो कहते हैं ना कि चोर चोर मोस्टे भाई, जो जैसा होता है उसको वैसी सेल्फ एस्टीम वाला इंसान मिल जाता है। अगर आपकी हाई सेल्फ एस्टीम है, आपका मोरल बहुत हाई है, आप कॉन्फिडेंट बहुत हो काम करने के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल होगा वो कैसा होगा, कॉन्फिडेंट होगा, वैसे ही होंगे जैसे आप हो। अगर आप लो सेल्फ एस्टीम हो, बैक बेंचर्स हो, शाय हो, पीछे बैठने वाले हो, तो आपके फ्रेंड्स भी कैसे होंगे, बैक बेंचर्स टाइप होंगे, शाय होंगे, आपका क्लास की टॉपर के साथ बन नहीं सकती, जो क्योंकि कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगी। पर अगर आप टॉपर की हमेशा टॉपर के साथ बनेगी, इस तरीके से होते हैं। आप रियल प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हो, अगर कोई है डिबेटर है, बहुत अच्छी डिबेटिंग करता है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, स्टेज टॉपर है, तो उनकी उन्हीं लोगों के साथ बनेगी ना, या उन लोगों के साथ बनेगी जो बिल्कुल नहीं बोलते, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेल्फ एस्टीम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सिंप्लीफाइड वर्जन आप ये देख सकते हैं सेल्फ एस्टीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी मैंने इस वाले पैसेज को ऐड करा है पीडीएफ में, कि सेल्फ एस्टीम इज़ द कॉन्फिडेंट वेट वी आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस। ये क्या है, एक एबिलिटी है टू कॉप विद द बेसिक चैलेंजेस ऑफ लाइफ, बेसिक चैलेंजेस आएंगे जो लाइफ में, उसको लड़ने के लिए ये सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी है। बेसिक चैलेंजेस कौन से होते हैं लाइफ में जो आते हैं, बींग एबल टू अर्न अ लिविंग, कि अपने लिए कमा सकते हैं, अपनी खुद की टेक केयर कर सकते हैं, able to have relationship which are mutually satisfying, अच्छे relationship maintain कर सकते हैं, bounce back कर सकते हैं, अगर कुछ बुरा भी होता है लाइफ में उसके बाद इतना ऊपर निखर के आना, मतलब कि बाउंस बैक करना, ये भी एक हाई सेल्फ इस्टीम की निशानी है। दृढ़ निश्चय ठान लेना टू कीप पाथ ऑफ वंस गोल, अपने गोल से भटकना नहीं, ये मेरा गोल है मुझे ये अचीव करना, ये भी एक हाई सेल्फ इस्टीम की निशानी है। ये एक फैक्ट है, बेसिक ह्यूमन नीड्स है, इसके बिना हम सोसाइटी में वर्ल्ड में कभी सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेल्फ एस्टीम, ये चैप्टर आपको इसलिए बीए में ऐड करा गया है ताकि कई जो स्टूडेंट्स हैं बीए के बाद करते हैं मैं अभी ये करूँगा,
नहीं चेंज कर लिया, फिर ये करूँगा फिर चेंज कर लिया, फिर ये करूँगा फिर चेंज कर लिया, ऐसा माइंडसेट होता है। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल डिग्री। तो ये पढ़ाना आपको वो ज़रूरी है कि आपने एक गोल सेट करा, मैंने ये वाली जॉब लेनी है, बैंक के लेने तो बैंक में जाएंगे वो, मैंने कॉरपोरेट के लेने कॉरपोरेट में जाएंगे, मैं टीचिंग के लेने टीचिंग में जाएंगे, मैंने इस चीज़ IAS और UPSC के लेने UPSC में जाएंगे। तो एक ही गोल रखते हैं, यानी कि चेंज करते रहते हैं इस तरीके से। ये क्या है, सेल्फ स्टीम को दिखाता है कि आपका अपने ऊपर कितना डिटर्मिनेशन है। ठीक है, सेल्फ एफिशिएंसी क्या होता है, ये देखो ये बड़ा अच्छा मतलब आया इसका। सेल्फ एफिशिएंसी होती है कॉन्फिडेंस है दैट वी हैव द एबिलिटी टू थिंक, द एबिलिटी टू लर्न एंड द एबिलिटी टू मेक द एप्रोप्रिएट डिसीजन। अगर आप ले पा रहे हो तो एक सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, इट इज़ हैविंग द कॉन्फिडेंस इन आर राइट टू बी हैप्पी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। इट इज़ हैविंग द फर्म बिलीव इन योर बींग वर्दी ऑफ लव फ्रेंडशिप रिस्पेक्ट एंड सक्सेस, कि मैं इसके काबिल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इससे नीचे वाला स्टैंडर्ड नहीं रखते। तो ये सेल्फ एफिशिएंसी है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। ठीक है, या आप और चीज़ें देख सकते हो चैप्टर को देखने के लिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिविंग, 6 पिलर्स आएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। What are the 6 pillars of self-esteem? Living consciously, मतलब कि we must always remain conscious of what we are doing. हमेशा ध्यान में रहना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, अवेयर आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में अवेयर रहना, इनसाइड वर्ल्ड अपने बारे में भी अवेयर रहना कि मैं ये कर रहा हूँ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, कॉन्शियस में सतर्क रहना, बाहरी रूप से भी आंतरिक रूप से। ये 6 पिलर हैं सेल्फ एस्टीम के। सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करना है जैसे भी हो आप, ये नहीं कि आपको ये लगना कि नहीं दूसरे अच्छे हैं मैं बुरा हूँ, अपनी बॉडी से अपने आप से सबसे पहले प्यार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है ये। ठीक है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स क्या है हमारी अचीवमेंट्स का, नो वन इज़ कमिंग टू मेक अस हैप्पी। कोई किसी की बाहर रूप से कोई कुछ भी कर रहा है, आपको उसकी बात इफेक्ट हो गया, आप अपनी हैप्पीनेस को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सेल्फ एजर्टिवनेस होता है कि अपनी आप को ऑनर देना, ऑनर फॉर वॉन्ट्स एंड लुक्स फॉर वे टू सेटिस्फाई दें, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपको कैसे उसे पूरा करना है, ये सेल्फ एजर्टिवनेस है। लिविंग अकॉर्डिंग टू ए वैल्यूज इन द वर्ल्ड, आप अपनी वैल्यू अपने उसूलों के हिसाब से जियोगे। अगर आपको कोई काम बुरा लगता है तो एग्जैक्ट से नो, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद तो आप उसे एकदम मना कर सकते हो, ये होता है सेल्फ एजर्टिवनेस होता है। ठीक है, एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ हु वी आर एंड अलाउ अदर टू सी, ठीक है, कि हम क्या हैं और क्या दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये होता है सेल्फ एजर्टिवनेस। पर्पस होना चाहिए ज़िंदगी जीने का, ये नहीं कि ज़िंदगी चल रही है बस काट ली, एक पर्पस होना चाहिए कि इस एज में मैं ये कर रहा हूँ, इस एज में ये चीज़ होनी हो जानी चाहिए थी। लिविंग पर्पसफुली, पर्सनल इंटीग्रिटी होती है कि पर्सनली हैविंग प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, लॉयल टू द प्रिंसिपल, जो आपके सिद्धांत हैं उसके प्रति लॉयल रहना, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, कीपिंग आवर प्रोमिसज, जो आपने अपनी ज़ुबान दी है किसी को, अपने प्रोमिसज रखना, ये सब कुछ एक हाई सेल्फ इस्टीम को दिखाते हैं। ठीक है, अपने आप से सच्चा होना। उसके बाद क्या दिखाते हैं, एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब तो मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया सेल्फ एस्टीम का, मेन आपका जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो यही है, 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है, सेल्फ एस्टीम का मतलब में आपने लिखना है सेल्फ एफिशिएंसी और सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, उस तरीके से, और आपको ऑथर का नाम, चैप्टर का नाम भी पता होना चाहिए। ये है कुछ क्वेश्चन, जैसे ये हैं, व्हेन सेल्फ एस्टीम इज़ लो आवर रिसाइलेंस इज द फेस ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स इज डिमिनिश्ड। ठीक है, जब आपकी सेल्फ जो होएगी स्टीम लो होएगी, तो आपने ये क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ तो आपका सिंपल स्टार्ट कर दिया इस क्वेश्चन को, पर आपने कैसे स्टार्ट करना है, दिस चैप्टर जो है आप पहले लिखोगे इसका नाम क्या, आर अर्जेंट नीड फॉर सेल्फ एस्टीम हैज़ बीन रिटन बाय नथानियन ब्रैंडन इन विच द राइटर अंडरलाइंस, यहाँ से लिखना फिर आपने कि इसके अंदर क्या बता रहा है, एक राइटर अंडरलाइंस कर रहा है
यहाँ से आपने लिखना है इन विच द राइटर अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग हाई सेल्फ एस्टीम के बारे में बता रहा है. अगर किसी इंसान की लो सेल्फ एस्टीम होगी तो वो बेसिक चैलेंजेस होंगे लाइफ के, उसे नहीं फेस कर सकता. ठीक है, वो आगे जाके प्रॉब्लम तो डिफ़िकल्टी फेस करेगा अगर उसका लो सेल्फ एस्टीम होगा. अगर उसका हाई सेल्फ एस्टीम होगा तो उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए. वो एक नवा रास्ता ढूंढ लेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, बाउंस बैक कर जाएगा आफ्टर ए फॉल. ठीक है, अगर वो लो सेल्फ एस्टीम होगा तो उन्हीं प्रॉब्लम में फंसा रह जाएगा. तो ये थे सेल्फ एस्टीम. आपने इस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट रखना है. द चैप्टर अर्जेंट नीड फॉर सेल्फ एस्टीम has been written by this in which the writer says this and this and this. ऐसे आपने हर क्वेश्चन को टैप करना है. ये सेकेंड क्वेश्चन है. ज़्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चन जो हैं कम आते हैं, जो आपके ये लाइन्स वाले जो मैंने आपको बताया ऐसे पेपर में. आपको डायरेक्ट किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. ये भी आपने देखना है, इसे समझ. वैसे आपको चैप्टर समझ आ गया है. ये मैं आपको स्क्रोल कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको चैप्टर बड़े अच्छे तरीके से समझाया है. ये आपको कर सकते हो. अब मैं आपको दिखाऊंगी, आपने पढ़ के सारा जाना. ये आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सेल्फ इवैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है. सेल्फ इवैल्यूएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वन ऑफ द सिक्स पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम जो आपने ब्रैंडन ने बताए हैं उसके अंदर बताया कि आप अपने आप को कितना मार्क देते हो, आप अपने आप को कितना टेस्ट में नंबर दे रहे हो. तो ये होता है सेल्फ इवैल्यूएशन. क्या आपके जजमेंट आपके बारे में क्या है, मैन एंड देयर एक्शन. बट नो जजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट देन वन वी पास फॉर अवर. हमें सब अपने बारे में सबसे ज़्यादा पहले पता होता है दूसरे के बारे में. ठीक है, तो ये होती है सेल्फ एवेल्युएशन. वही इंसान कर सकता है जिसकी एक एक स्टैंडर्ड मेंटेन है लाइफ में. हाई सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ एस्टीम है. अगर आप उस सेल्फ एस्टीम के स्टैंडर्ड से, जैसे एक मैंने बेंच मार्क फिट कर रखा है, अगर मैं ऐसे नीचे ज़रा सा भी आ रही हूँ आपको पता लग जाएगा. कैसे पता लगेगा, जब आपने सेल्फ इवेल्युएशन कर रखी होगी इस तरीके से. ठीक है, तो सेल्फ एवेल्युएशन क्या होता है, वी पास जजमेंट ऑन मैन एंड देयर एक्शन बट नो जजमेंट इन अ मोर इम्पॉर्टेंट देन वन वी पास अवर सेल्फ. दिस जजमेंट हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ. अवर सेल्फ इवेल्युएशन डिसाइड अवर एक्शन एंड रिएक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट तक हम डिसाइड कर सकते हैं. इट लीड अस टू डिसाइड अवर वैल्यूज एंड अवर गोल, कि हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं. आर सक्सेस और फेलियर लाइफ डिपेंड ऑन अवर सेल्फ एस्टीम. कई लोग फेलियर में ही जीना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये है तो हम इसमें जीना शुरू किए, उनकी लो सेल्फ एस्टीम को दिखाता है. हाई सेल्फ एस्टीम है कि बाउंस बैक कर जाते हैं, जिस स्टैंडर्ड पे थे वो वहाँ तक मेंटेन कर लेते हैं. तो ये होता है सेल्फ एवेल्युएशन, सेल्फ टेस्ट, सेल्फ जजमेंट. जब तक आप अपने बारे में नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा. इट डिपेंड्स ऑन हु वी थिंक वी आर, कि हम क्या हैं, अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, हम क्या थे. ठीक है, ये द सेल्फ इवेल्युएशन अटमोस्ट सिग्निफिकेंस है एक इंसान के जीवन में. उसके बाद है फिफ्थ आएगा ओन वर्ड में टू कॉम्पोनेंट. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 2015 में भी आया है. दो कॉम्पोनेंट्स बताओ सेल्फ एस्टीम के, कौन से. सेल्फ एफिशिएंसी है, काम करना है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वर्ड्स आया. और सेल्फ रिस्पेक्ट है. ठीक है, आर राइट टू बी हैप्पी. इट इज़ हैविंग द फर्म बिलीव इन अवर बींग वर्दी ऑफ लव, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस. ग्रेटर जितना होंगे ये दो कॉम्पोनेंट, उतना हमारा हाई सेल्फ एस्टीम होगा, उतना हम चैलेंजेस जो लाइफ के होंगे उसे हम जल्दी कॉप अप कर सकेंगे. ठीक है, हाउ डज सेल्फ एस्टीम है सर्वाइवर वैल्यू. वही आपका चैलेंजेस वाली बात आ जाएगी इसके अंदर. ठीक है, सेल्फ एस्टीम इंडिस्पेंसिबल फॉर वुमेन. कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इमोशनल इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस से वो लड़ रहे हैं. दे आर गोइंग आउट इन एवरी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्क प्लेस में, जब जब से औरतों ने काम करना शुरू करा है. तो इसलिए हम बोलते हैं एज ओल्ड प्रेजुडिसेस बने हुए हैं, ये मतलब दिमाग में ये बने हुए हैं कि औरतें ये काम के लिए बनी हैं, होम मेकिंग के लिए औरतों का काम है, बिजनेस नहीं कर सकते. पर इन सब चीज़ों को तोड़ के एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं औरतें. ठीक है, टीम लीडर्स बन जाती हैं. ठीक है, आप आर्मी में देख सकते हैं. तो ये क्या होता है, एक हाई सेल्फ एस्टीम को शो करते, एक इन्फ्लुएंशियल लोगों को शो करते हैं. ठीक है, तो हाई सेल्फ एस्टीम वहाँ ज़रूरी है. अब जैसे अंबानी है, नीता अंबानी, आपने देखा होगा जी, क्रिकेट में जितनी भी लेडीज़ हैं, मिताली राज हो गए, तो ये औरतें क्या शो करती हैं, ये हाई सेल्फ एस्टीम वाली वुमेंस है जो कितने भी चैलेंजेस आए लाइफ में वो बाउंस बैक करके दोबारा स्टैंड हो जाते हैं.
वो ऐसे नहीं होते कि अपने फेलियर्स में अपने अनसक्सेसफुल एरिना में ही जीना स्टार्ट कर देते. नो, कितनी वुमेन्स आप हिस्ट्री से उठा के देख सकते हैं. हाउ डज लो सेल्फ एस्टीम अफेक्ट्स वन कम्युनिकेटिव एबिलिटी, कि आपके जो एक लो सेल्फ एस्टीम वाला इंसान से अगर आप बात करोगे तो उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसी होगी. आवर फीलिंग ऑफ इनर रिचनेस, द लोअर आवर सेल्फ एस्टीम द मोर वी कीप टू अवर सेल्फ, हम अपने तक रहेंगे. वी स्टार्ट लिविंग मैकेनिकली, हम जीना शुरू कर देंगे जैसे मशीनें जीती हैं. बट विद हाइएस्ट सेल्फ एस्टीम वी ओपन आउट टू द अदर्स, दूसरे के साथ मिले जुलेंगे. वी आर ऑनेस्ट इन अवर टॉक, मतलब कि हम सच बोलेंगे. बिकॉज वी बिलीव अवर थाट्स हैव वैल्यू, कि हमें ये लगेगा मैं अपनी बात बोल रही हूँ इसमें वैल्यू है. अगर मैं बाहर पता लगेगा झूठ, तो देखो सेल्फ एस्टीम हमेशा किसके साथ जोड़ा जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी और सेल्फ एफिशिएंसी के साथ भी. अगर मैं बाहर झूठ बोल देती हूँ किसी चीज़ को, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया या झूठ बोल दिया, तो अगर बाद में वो पता लगेगी तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें हार्म होगी. ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं उसी बात को एक्सप्लेन करूँगी. वी स्टार्ट, वी आर ऑनेस्ट होंगे. द लोअर अवर सेल्फ एस्टीम द मोर मडी अवर थॉट्स, मतलब कि जितनी हमारी सोच छोटी होगी, जितनी हमारी सेल्फ एस्टीम छोटी होगी, उतने मडी थॉट्स लेके आएंगे. अनसर्टन रहेंगे, आज ये कर लिया, अब कल वो कर लिया. वी रिमेन डाउटफुल अबाउट द लिसनर्स रिस्पॉन्स, ठीक है, कि क्या वो सोचेंगे. ये सब चीज़ें हम जब सोचते हैं, जब हमारी लो सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है, हम अपने थॉट्स नहीं शेयर करते किसी, एंड दस दे रिमेन ऑलवेज इन द मडी स्टेट में रहते हैं. वट डज द राइटर मीन वट ही से, द एक्लेम ऑफ अदर डज नॉट क्रिएट अवर सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम आपके इनर फीलिंग होती है, आपका अपना व्यू पॉइंट होता है, ठीक है, कोई दूसरा आपके सेल्फ एस्टीम नहीं क्रिएट करता. सेल्फ मतलब कि योर वंस ओन, सेल्फ का मतलब ही होता है, चाहे सेल्फ एफिशिएंसी हो, आपको पता है मैं क्या काम कर सकती हूँ, दूसरा आपको नहीं बताएगा कि आप ये काम कर सकते हो. सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आपको आपको खुद पता होता है कि मेरा वैल्यू स्टैंडर्ड क्या है, मैं इससे नीचे काम कर रही हूँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करेगा. तो आप सेल्फ मतलब कि योर वंस ओन, ठीक है, क्रिएटेड बाय योर your own thoughts, your own judgments and viewpoints. दूसरा बंदा नहीं क्रिएट कर सकता आपकी सेल्फ esteem, क्योंकि इसमें वर्ड ही यूज़ क्या करा, सेल्फ esteem, ठीक है. आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहे हो पर आप अपनी नहीं करें, तो आपको अपने ज़्यादा फोकस रहना है, ठीक है. ब्रीफली डिस्कस ईच ऑफ द सिक्स पिलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था. सिक्स पिलर्स आपने एक्सप्लेन करने हैं, जो जो कौन से थे, लिविंग कॉन्शियसली, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कई स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, मैं चैप्टर जब करा रही होती तभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, क्योंकि देखो एक बारी बुक बंद हो जाती है, एक बारी ये पीडीएफ बंद होगी, लास्ट में एज सच कोई मैं बता नहीं सकती कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये वो चीज़ें होती हैं जब वो चैप्टर चल रहा है उसको बताना, बीच में जब कोई क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट है. लास्ट में जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, ये कोई साइंस के क्वेश्चंस नहीं है कि ये वाले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये वो है, ये थ्योरी वाले चैप्टर है, लाइफ से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं. आपको अच्छा ही लगेगा अगर आप चैप्टर को सुनोगे, ये आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, आपके मार्क्स देखना कितने अच्छे ग्रो कर जाओगे आप, क्योंकि आपको चैप्टर जब समझ के करोगे आप, आपको मैंने आपको बीच बीच में ये बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं. जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता भी दूंगी, चलो बता भी दिए, पर क्वेश्चन अटैम्प्टेशन की स्किल्स मैं आपको चैप्टर के बीच में बताऊंगी. हर चैप्टर की, हर पोएम की अलग अलग अटैम्प्टेशन स्किल्स होती हैं, सेम नहीं होती है. वो आपको जब आप चैप्टर समझोगे सुनोगे तब आपको पता लग जाएगा. ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर होल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है. सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ असर्टिवनेस, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है. लॉन्ग आंसरिंग क्वेश्चन टाइप अगर आपको यहाँ से आता तो आपने क्या लिखना है, व्हाट अकॉर्डिंग टू नैथन ब्रांडन रीजन फॉर वन टू पोजेस सेल्फ एस्टीम, कि क्यों सेल्फ एस्टीम ज़रूरी है. आपने पूरा चैप्टर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करना, ये सब आप चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे. हाई सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, कि अगर लो सेल्फ एस्टीम होगी तो आप लाइफ के चैलेंजेस को पूरा नहीं कर पाओगे, आपके व्यू पॉइंट, आपके थॉट्स किस तरीके से होंगे वो आपको शो करेंगे,
तो आपने ये सब कुछ चीज़ें इसके अंदर जो भी आपने चैप्टर लिखे, सिक्स पिलर्स भी पढ़े आपने, लो सेल्फ इस्टीम वाले के सिक्स पिलर वाले व्यू पॉइंट कमज़ोर होंगे, तो आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता, मतलब कि होल चैप्टर को आपने एक्सप्लेन करना है उस क्वेश्चन के रेफरेंस से, ठीक है, इस तरीके से। ये मैंने आपको स्किप कर दिया। वाई देर इज़ अ अर्जेंट नीड है सेल्फ इस्टीम नाउ, कॉम्पिटिटिव इरा है, चैलेंजेस हैं लाइफ के, सिंपल लाइफ नहीं रही, अब कॉम्प्लेक्स लाइफ हो गई है, आप देखो कितना कॉम्पिटिशन है हर चीज़ में। तो यहाँ आपको सेल्फ इस्टीम, अपने आप को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी लो सेल्फ इस्टीम हुई, हाई सेल्फ इस्टीम नहीं हुई है, तो आप यहीं संसार में दबके रह जाओगे, आप उनसे लड़ नहीं पाओगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपका हो गया, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, वैसे सारा समझा दिया गया है, ठीक है। जैसे वुमेन्स को क्यों ज़रूरत है सेल्फ इस्टीम की हाई, क्योंकि उन्हें एक ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स ही होते हैं कि उनका काम तो यह है घर का काम करना, अपने बच्चे संभालने, आपने उनको ट्रेडिशनल रोल्स दिए होते हैं। पर इतना आगे एडवांस सोसाइटी में रहना कि आप किसी कंपनी को रन कर रहे हो, उसके हेड हो, उसके बाद उसमें इतना ज़्यादा एडवांस हो जाना, आर्मी के आप चीफ बन जाते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको हेड हो जाना, ठीक है, आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हो, उसके अंदर इतना हेड हो जाना, स्कूल को मैनेजमेंट को रन कर रहे हो आप, तो ये क्या होता है, ये ट्रेडिशनल रोल से हटके होता है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। ये चैप्टर बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लाइफ के व्यू पॉइंट से भी। हम सोचते हैं कि आप आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, आप मोटिवेशन लेक्चर सुनने से ज़्यादा आप अगर इस चैप्टर को समझोगे, सुनोगे, तो मुझे लगता है आपके ज़्यादा मार्क्स भी आ जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, और आप लाइफ का व्यू पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा जब से आप ये चैप्टर को समझोगे। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है, तो मेरे पर बड़े सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं इस सब्जेक्ट की कहाँ है, एक चैप्टर के नीचे कर देते हैं। मैंने होल पॉलिटिकल साइंस है चाहे इंग्लिश कंपल्सरी है, प्लेलिस्ट में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है आपने, जो चीज़ आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दो, उसकी पूरी आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जितनी भी वीडियोज़ होंगी। होप आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।